नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कुरजानी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चीकू का हलवा। चीकू तो हम सभी को फ्रूट के तौर पर पसंद ही आता है। आज उसका मैंने हलवा बनाया है, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में, बच्चों से लेकर बड़ों तक को पसंद आएगा। जब भी मीठा खाने का मन करे ये एक बार आप हलवा ज़रूर बनाएं। वैसे तो हम सूजी आटे इन सब का बनाते ही रहते हैं, इस बार हम चीकू का हलवा बनाने जा रहे हैं। खाने में काफ़ी मज़ेदार, सभी को पसंद आएगा और बनाने में भी काफ़ी आसान है, जल्दी से भी बन जाता है। तो चलिए बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, यह हलवा बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर 300 ग्राम चीकू ले लिए हैं, ऐसे मैंने अच्छे से धोकर कपड़े से पोंछ लिया, साफ़ कपड़े से। अब इसका जो ऊपर का छिलका है वो हमें निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ऊपर का छिलका है, इस तरह से मैं ये निकालती जा रही हूँ। तो देखिए चीकू को आपको अच्छे से पानी से, दो से तीन पानी से अच्छे से रगड़ कर धो ले, उसके बाद एक साफ़ कपड़े, सूखे कपड़े से उसे पोंछ भी ले। तो देखिए मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसके हम टुकड़े कर लेंगे और इसका जो ये बीज है वो हमें फेंक देना है। तो देखिए मीडियम साइज़ के टुकड़े मैंने इस तरह से तैयार कर लिए। इसी तरह से हम सारे चीकू को काट कर तैयार करेंगे। उसके बाद ये जो चीकू के टुकड़े हैं हम मिक्सर में डालकर ढककर इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। कुछ भी हमें नहीं डालना है, ना ही दूध ना ही पानी, बस इसे ढककर हमें पीस लेना है एकदम, कोई भी टुकड़ा रहना नहीं चाहिए। अब हम गैस को ऑन करेंगे, इसके ऊपर मैंने पैन रख दिया है, एक चम्मच जितना घी डाल रही हूँ। और ये देखिए जो चीकू है मैंने पीस कर तैयार कर लिया, कोई भी देखिए टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। अब ये जो पीसा हुआ चीकू का पल्प है ये हम इस तरह से डाल देंगे पैन के अंदर, और इस तरह से लगातार चलाते हुए इसे हम 4 से 5 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो इससे क्या होगा, चीकू का जो थोड़ा सा मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और अच्छे से ये पल्प जो है वो बन जाएगा घी के साथ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट के बाद चीकू का जो मॉइस्चर है वो पूरा सूख चुका है, और आँच अभी आपको धीमी कर लेनी है, देखिए धीमी। और इसे हमें इस तरह से मिलाना है, और मिलाने के बाद इसके अंदर मैं डाल रही 1 कप दूध। तो आप जो भी दूध घर पे इस्तेमाल करते हैं वो ले सकते हैं, उबला हुआ कच्चा दोनों ही ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर कच्चा लिया है। डालने के बाद अच्छे से हमें मिलाना है, और आँच अभी हमें मध्यम करनी है। इस तरह से मैंने दूध को अच्छे से मिला लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ खोया यानी कि फीका मावा, ये आपको हलवाई की दुकान से काफ़ी आसानी से मिल जाएगा। इसे मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया था। डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे, तो यहाँ पर खोया से बहुत ही बढ़िया स्वाद आ जाता है हलवे के अंदर, एकदम क्रीमी। तो देखिए खोया को मैंने अच्छे से इसे मिला लिया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 1/4 कप चीनी, और अच्छे से फिर से हम मिलाते जाएंगे, और करीब 5 से 6 मिनट तक इसे हम पकाएंगे, जब तक इसका जो दूध है वो सूख जाए, पूरा अच्छे से हलवा हमारा तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो चीनी है उसकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर 1/4 कप डाली है। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा डालें, कम पसंद करते तो इससे भी कम आप डाल सकते हैं। अब वो चीकू के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपके मीठे हैं चीकू के, थोड़े से मीठे हैं। तो आप देख सकते हैं दूध जो है वो सूख चुका है, थोड़ा सा ही बाकी है, तो आधी चम्मच इसके अंदर इलायची का पाउडर डाल रही हूँ, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। पर अगर आपको नहीं अच्छा लगता है तो आप ना डालें, इसे स्किप कर सकते हैं। देखिए दूध जो है पूरा अच्छे से सूख चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधी चम्मच जितना और घी, तो इस हलवे में घी भी बिल्कुल कम डलता है, सिर्फ 2 से 3 चम्मच जितना, और बहुत ही बढ़िया हमारा देखिए हलवा बनकर तैयार है। तो इसे मैंने इस तरह से एक प्लेट में निकाल लिया है, ऊपर से इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कटे हुए बादाम और काजू। आप चाहे तो सिर्फ काजू भी डाल सकते हैं, बादाम, जो आपको ड्राई फ्रूट पसंद हो और जितने पसंद हो आप डालें। तो लीजिए हमारा तैयार है एकदम मज़ेदार वाला ये चीकू का हलवा, जो घर में सभी को पसंद आएगा, बच्चों से लेकर बड़ों तक को। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपने देखा है कितना आसान है, और मुझे कमेंट सेक्शन बताएं कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।